बादशाह हुसैन हुसैन बादशाह हुसैन बादशाह हुसैन हुसैन बादशाह हुसैन। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद ने अल्लाह के लिए कुर्बानी देकर सच्चाई और मुनाफ़क़त की पहचान कराई। मुकर्ररीन इख्तलाफी बयानात के बजाय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद की कुर्बानी पर रोशनी डालें। मुकर्ररीन इख्तलाफी बयानात के बजाय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद की कुर्बानी पर रोशनी डालें। अमन व अमान की बहाली के लिए हर इंसान अपना मस्बत किरदार अदा करे। इन ख्यालात का इजहार गंबट के साबका ताल्लुका नाज़िम और शिया ऑर्गेनाइजेशन सिंध के मरकज़ी सदर साईं सैयद सरकार हुसैन शाह ने अपनी रिहाइशगाह पर सीनियर सहाफ़ी सलीम रज़ा शेख, शाहिद सयाल और दीगर के साथ खुसूसी इंटरव्यू में किया। साईं सैयद सरकार शाह ने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने तारीखी और बेमिसाल कुर्बानी देकर इस्लाम को परवान चढ़ाया, इसलिए तमाम दुनिया के इंसान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलकर इस दुनिया में सच्चाई का साथ दें और मुनाफ़क़त को तारीख की बुरी शिकस्त दें और अपने दो जहां कामयाब करें। उन्होंने मुहर्रमुल हराम में तमाम मुकर्ररीन और आवाम को अपील की कि वह इख्तलाफी बयानात से गुरेज करें और नेशनल एक्शन प्लान के तहत मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान को कायम रखने के लिए इंतज़ामिया से तआवुन करें। उन्होंने फ़ौज, पुलिस और स्काउट के नौजवानों का शुक्रिया अदा किया जो हर साल अमन व अमान को कायम रखने के लिए अपने मुश्तरका फ़राइज़ ईमानदारी से सरंजाम देते हैं। For more videos, audios and print material, visit our YouTube channel and click the bell icon. So visit now our channel Urdu Sindhi Network.